अरे बाह, 1 मिनट गाइस, ये क्या? अरे जल्दी जल्दी चलता हूँ, लगता है आज काफी टाइम तक सो लिया मैं, मुझे जल्दी जाना होगा मेरा बॉस। अरे बाप रे, 1 मिनट, ये कैसा ब्लास्ट हो गया मेरे घर के ऊपर 1 साल से। गाइस ये क्या चल रहा है, मेरे घर पे कोई दिवाली मना रहा है क्या? जाके झेकना पड़ेगा मुझे, कुछ तो गड़बड़ हुई है। चल फ्रैंकलिन जल्दी से, अगर सिंचैन हुआ ना। अरे गाइस ये क्या, मेरे घर के ऊपर एक UFO और उसमें इतनी बड़ी आग, ये क्या चल रहा है? जल्दी जल्दी जाके देखना पड़ेगा, जल्दी चढ़ता हूँ। अरे पड़ोसी के घर से जाना पड़ रहा है, नहीं तो खुद के पास से जाऊंगा तो फटफटा जाऊंगा। चलो गाइस जल्दी देखते हैं। अरे बाप रे गाइस, ये तो एक UFO है। अरे 1 मिनट, इसके अंदर क्या है? अरे दोस्तों 1 मिनट, मुझे कुछ तो दिखा था यार। गाइस इसके अंदर ये आयरन मैन के सूट है, देखिए ये रहे, मुझे दिख गए। अरे बाप रे, 1 2 3 गाइस, 3 सूट है ये वाला कैसा? अरे गाइस ये किस तरह का सूट है? ये तो कोई गॉड हल्क बस्टर है, गोल्डन टाइप का। और यहाँ पर ये आयरन मैन का सूट है। चलो एक काम करते हैं, अपने ड्रोन का यूज करके नीचे उतारते हैं। गाइस ये सूट फट कैसे गए लेकिन समझ नहीं आ रहा मुझे, जल्दी इनको निकालता हूँ। ये आराम से, बस बस। अरे गाइस आज तो मजा ही आ गया, आज तो अल्ट्रा जैकपॉट लग गया हमारा। 1 मिनट, एक और सूट मिल गया। अरे गाइस ये वाला सूट तो सही सलामत सा लग रहा है मुझे। अरे नहीं गाइस, ये भी खराब है, एक और बचा है। गाइस 4 सूट, अरे चौथा देखिए गोल्डन है ये भी आयरन मैन का। एक है गोल्डन हल्क बस्टर, एक गोल्डन आयरन मैन, और ये वाला तो ब्लूइश टाइप का है। गाइस कितने खतरनाक सूट है, मजा ही आ जाएगा। मैं तो स्ट्रांगेस्ट आयरन मैन एंड हल्क बस्टर एक साथ बन जाऊंगा। चलो जल्दी चलते हैं, देखिए तो कितने कमाल के सूट लग रहे हैं मुझे। एक काम करते हैं गाइस, क्यों ना इन सूट्स को पहन कर देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सूट बिल्कुल भी जिंदा होंगे, क्योंकि इतने बड़े ब्लास्ट के बाद इनकी हालत खराब हो चुकी। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही है, मेरे घर के ऊपर UFO आया, इसका मतलब गाइस अवेंजर्स सुपर विलन सबको पता चल गया होगा। एक काम करता हूं, इससे पहले कि कोई इन सूट को मुझसे छीन कर ले जाए, इन सूट को गाइस यहां से लेकर चलते हैं हम कहीं दूर आइलैंड पर। इतनी दूर किसी आइलैंड पर जाऊंगा गाइस कि किसी की नजर भी ना पड़े। तो एक काम करते हैं दोस्तों, ये रहा मेरा ट्रक और इसमें आराम से बैठते हैं। ये मैंने सारे सूट्स को इसमें रख लिया है। गाइस जल्दी यहां से निकलता हूं, आप लोग प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब। मुझे किसी भी तरह से इन सूट्स को हील करना होगा, जिंदा करना होगा, उसके बाद मैं इनकी पावर्स चेक करूंगा। क्योंकि एलियन टेक्नोलॉजी से बने हुए हल्क बस्टर एंड आयरन मैन के सूट हैं, तो कितने खतरनाक होंगे ये हमें अभी पता चल ही जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं गाइस यहां पे एक ठंडे बर्फी आइलैंड पे आ गया हूं, जहां ज्यादा लोग नहीं रहते, बहुत ही कमी के हिसाब से रहते हैं। और यहां पर मैं किसी भी बियावान घर में रहूंगा जहां पर कोई नहीं रहता हो, इसके और फिर यहाँ पे हम इंग्रेडिएंट लाकर उनको ठीक करेंगे, फिर तो मजा ही आ जाएगा। 1 मिनट, ये क्या? अरे रेड हल्क, तुम लोग क्या कर रहे हो? हमें खबर मिली थी तो यही आ रहा। अरे बाप रे गाइस, ये तो डबल मुसीबत होगी। रेड हल्क मेरी बात सुनो, तुम्हें जिसे भी खबर मिली है बिल्कुल गलत है, मैं देशद्रोही नहीं हूँ, मैं अपने देश का सपोर्ट करता हूँ। क्या बकवास कर रहा है फ्रैंकलिन, झूठ मत बोल। तेरा घर पर एक एलियन टेक्नोलॉजी से बना हुआ UFO गिरा था, उसमें हमने सुना है 15 सूट थे। 15? लेकिन मुझे तो बस 4 मिले। पकड़ा गया झूठ, देखा तुम उससे छुपा रहा था ना, इसका मतलब सूट है, मैंने तो बस गैस किया था, तूने सच भी बोल दिया। अरे मैं तो फंस गया, अरे छोड़ मुझे, छोड़ दे नहीं तो मैं तुझे मारूंगा। कैसे मारेगा? यला फटीचर, यला यला, तेरी इज्जत बिल्कुल भी नहीं है, तू बिल्कुल बेकार आदमी है, कोई तेरा सपोर्ट नहीं करता ना प्यार करता है। गाइस ये क्या बोले जा रहा है, प्लीज गाइस कमेंट में फ्रैंकलिन OP लिखो, इसको बताओ आप लोग मुझे कितना सपोर्ट करते हो। अरे चल देख लिया, तेरा सपोर्ट कोई नहीं कर रहा, तुझे सपोर्ट यहाँ पर ये सारे सूट हमारे, सुन गए मेरी गैंग, मेरी बात सुनो, ये सारे का सारे सूट बर्बाद हो गए हैं, इसलिए हम उनको बनाएंगे अंडा। अरे गाइस नहीं, ये तो मेरा प्लान चोरी कर रहे हैं। 1 मिनट, वहां पर देखिए किसी तरह का धुआं उठ रहा है, मेरे हिसाब से जल्दी चलता हूँ। ये पर्पल पर्पल धुआं तो 1 मिनट उस मैजिक का है, जिससे किसी भी पावरफुल चीज को अंडे में बदल दिया जाता है, जिससे कि वो 3 दिन बाद अगर उनको निकालें तो इतने ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं कि वो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी चलता हूँ गाइस। एक काम करते हैं, जैसे ही ये रेड हल्क इन सारे सूट्स को यहाँ पर अंडे में बदल देगा, हम इनको डिस्ट्रैक्ट करके यहाँ से निकल जाएंगे अपने अंडे लेके। लेकिन यार ये करेगा कब, मुझे देखना पड़ेगा, जल्दी जल्दी करता हूँ। एक काम करते हैं गाइस, यहाँ छुपकर अपने ड्रोन से चेक करते हैं कि क्या इन्होंने मेरे सूट्स को अंडों में बदला अभी तक या नहीं। गाइस नहीं, अभी तो ये रेड हल्क अपना जादू चला रहा है और यहाँ पर सारे सूट्स अभी भी नॉर्मल सूट ही हैं। ये जैसे ही अंडों में बदले गए, मैं तुरंत बॉम्ब लगाकर इनको डिस्ट्रैक्ट करूंगा और उसके बाद गाइस सारे अंडे मेरे। इसका मतलब ये मेरा काम मेरे लिए कर रहा है फ्री में। अरे गाइस सारे सूट मेरे हो जाएंगे, लेकिन अवेंजर्स से भी तो बचना होगा मुझे, उसका प्लान भी हम ढूंढ लेंगे। लेकिन ये स्ट्रॉन्गेस्ट जितने भी हल्क बस्टर्स के सूट हैं और आयरन मैन के, ये तो मेरे
मेरे ही होने जा रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए। तो गाइस मैंने यहाँ पर कम से कम 20-25 बॉम्ब यहाँ पे फिट कर दिए हैं और लगा देता हूँ, इनकी बिल्कुल हालत खराब कर दूंगा, इतना ज्यादा बॉम्ब फाड़ूंगा यहाँ पे। तो गाइस तैयार हैं बूम बॉम्ब के लिए। ये देखिए यहाँ पर बूम बॉम्ब स्टार्ट हो चुका है, अब देखिए रेडल का क्या होगा। अरे अरे क्या होगा, कौन मारा कौन फटा, एक और यूएफओ गिरा है क्या? अरे कुछ भी नहीं है यार, तो मुझे लगता है साइड में एक और यूएफओ गिरा है। अरे मजा आ जाएगा, 4 की जगह 8, 8 की जगह 16, मतलब 3-4 हजार करोड़ रुपए मिल जाएंगे। गाइस देख रहे हो कितने बड़े बड़े सपना देख रहा है मोटा, इसको एक अंडा तक नहीं दूंगा मैं। गाइस जिसने मेरे सूट्स को अंडा बना दिया, चलो जल्दी जल्दी देते हैं अपने ट्रक को, अभी तक यूएफओ दिखाना ही लगता है जमीन में घुस गया। गाइस कितना पागल है वो, अरे बाप रे उसने देख लिया मुझे। रोक, अरे तुझे छोड़ूंगा नहीं, रुक जा, मेरी मेहनत को कैसे बर्बाद कर रहा है, अरे तुझे पटक का मारूंगा, रुक जा रहा। अरे गाइस वो वहां पर फंस गया है, जल्दी जल्दी चलते हैं। यस भाग गया मैं, कुछ नहीं कर पाया वो मेरा, मजा ही आ गया। अब मेरे पास ट्रक है, क्या कर लेगा वो, उसने अपनी आधी से ज्यादा शक्तियां तो इन अंडों को बनाने में लगा दी होंगी, इसलिए वो अब देर से भाग भी नहीं सकता और मुझे पकड़ भी नहीं सकता। इससे पहले कि गाइस वो मुझे वापस ढूंढे, हम इस आइलैंड से गायब हो जाते हैं और अपने घर वापस चलते हैं, मेरा घर ही सेफ है इससे बढ़िया। तो दूसरे आइलैंड में तो फंस गया था मैं फालतू में जाके। तो चलो गाइस मैं अपने घर पर यहाँ पर वापस आ चुका हूँ, उम्मीद है कि सिंचैन और अवेंजर यहाँ पर नहीं होंगे। चलो आराम से यहीं पार्क करते हैं अपने ट्रक को। चलो ठीक है गाइस, मुझे इस ट्रक को भी कहीं गायब करना होगा और इसको फाड़ देना होगा, जिससे कि बाद में सबको लगे कि इस ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और सारे अंडे खराब हो गए। चलो दोस्तों अब मैं सारे अंडों को आराम से अपने घर में सेफली तरीके से रख लेता हूँ और जाकर थोड़ा बहुत आराम भी करूँगा, यार काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ मैं। तो ठीक है गाइस, यहाँ पर मैंने सारे अंडों को देखिए रख लिए, अब कोई भी मेरे अंडों को लेने मुझसे नहीं आ सकता, नहीं तो उसको पटक पटक के मारूंगा मैं, सच बोल रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जल्दी चलते हैं और जाकर अपना थोड़ा सा नैप ले लेते हैं, काफी थक गया हूँ यार मैं, इतनी भैरत करता हूँ मैं नॉर्मल सा इंसान। अब समय आ गया है गाइस स्ट्रॉन्गेस्ट बनने का, देखते हैं कौन स्ट्रांग बनेगा। मिल गया सूट, मतलब अंडा, जल्दी चलता हूँ, फ्रैंकलिन अभी अभी है। अरे बाप रे कौन आ गया मेरे घर पे, लगता है नमूना उठ गया, जल्दी जल्दी चलता हूँ, मुझे उसके सारे अंडे चाहिए। अरे ये कहाँ फंस गया मैं, जल्दी देखता हूँ, अंडा दिखा, अंडा अंडा कहाँ है। अरे बाप रे भागो यहाँ से, 2099 छोड़ मुझे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अगर तूने मेरे घर पर हमला किया ना, तुझे पैसा चाहिए ले ले, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दे। नहीं मुझे अंडा मांगता, अंडा अंडे वंडे नहीं है मेरे पास, कोई बत्तख समझाए क्या मुझे। तू मुझको उल्लू नहीं बना सकता, एक मिनट अभी देखना पड़ेगा, रेडल्क ने इन्फॉर्मेशन दिया था 4 अंडा था, इसका मतलब यहीं कहीं होना चाहिए। अरे वो रहा, मिल गया, अरे अंडा मजा ही आ गया, इन अंडों में मिलेगा हल्क बस्टर, आयरन मैन और कितना खतरनाक खतरनाक सूट, सब कुछ मेरा, ओह हो हो, सारा 100% प्रॉफिट मेरा, सब जाए भाड़ में, मजा लिया जाएगा, चलो अंडा मैंने ले लिया। अरे दोस्तों यार ये मेरी मेहनत पर पानी फेरने आ गया, मोटा मेरे अंडे ले जा रहा है। अरे नहीं गाइस इसको कैसे रोकूं मैं, ए रुक जा। नहीं रुकूंगा, मर जा फ्रैंकलिन, मैं तो चला, मजा आ गया। अरे गाइस नहीं मेरे अंडे चले गए, नहीं इसको छोड़ूंगा नहीं मैं, बहुत हो गया दोस्तों, अब मैं इनका जुर्म बिल्कुल भी नहीं सहूंगा, मैं पलट के वार करूंगा, लेकिन कैसे, मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ, लेकिन ये साधारण सा इंसान इनकी बैंड बजाएगा, पहले देखता हूँ गाइस, क्या पता ये एकाध अंडा छोड़ गया हो। अरे नहीं गाइस सारे ले गया यार, अरे बर्बाद कर दिया मुझे, मेरी जिंदगी खराब हो गई, बहुत हो गया गाइस। एक काम करते हैं हम अभी कभी यहाँ से निकलते हैं और इस बार मैं पूरे बंदोबस्त के साथ जाऊँगा, मैं अपनी अल्टीमेट कार लेकर जाऊँगा, अगर मैंने एक भी टक्कर मारी ना 2099 में तो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएगा, मेरी ब्लैक लैम्बोर्गिनी अब तो वही मेरी मदद कर सकती है। चौप में जा रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है भाई, ठीक है, और जल्दी जल्दी चलते हैं गाइस, चौप को मैंने बोल दिया घर का ध्यान रखने के लिए, वैसे तो बेचारा वो खुद एक कुत्ता है, क्या कर लेगा, वैसे भी मेरा पाला सुपर विलन से पड़ता है, नॉर्मल इंसानों से थोड़ी ना, लेकिन गाइस हम अपने सूट को बचाने के लिए एक योद्धा बन के जाएंगे। अरे बाप रे फिलहाल तो ठुकरा हूं मैं बुरी तरह से, मुझे ध्यान से जाना होगा, अरे कुछ ज्यादा स्पीड हो गई, ठीक है आराम से, बस बस बस, अरे बाप रे बस हो गया। तो गाइस यहाँ पे मैं फाइनली आ गया हूँ, यहीं कहीं 2099 होना चाहिए, मैंने अपना यहाँ पे कार छुपा दिया है। सबसे पहले काम करते हैं, अपना ड्रोन एक्टिवेट करते हैं और उससे चेक करते हैं यहाँ चल क्या रहा है। तो गाइज ये रहा 2099, ये रहे मेरे सारे के सारे अंडे, सही समय देखकर मुझे इसमें टक्कर मारनी होगी, जब इसका ध्यान नहीं रहेगा इन चीज़ों पर। जल्दी जल्दी आ जाओ, एक एक अंडा ले जाओ। क्या एक एक अंडा, इसका मतलब गाइज ये मेरे अंडे बेचने जा रहा है, अरे नहीं ये तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी, क्या करूँ अब मैं। जल्दी चलो अंडा, अंडा कौन सा अंडा भाई, कितना मर गया है। अरे भाई एक अंडा ज्यादा नहीं, सिर्फ $250 मिलियन, और आप भाई ज्यादा पैसा ले रहे हो,
$250 मिलियन एक अंडे के लिए। अरे महंगाई बढ़ गई है। चारों अंडे $1 बिलियन, जिसमें से एक मैं अपने पास रहूँ, बाकी तुम खरीद लो, समझे तुम? ठीक है, मैं खरीदूंगा। रिवेंजर को अंडा चाहिए, कितना भी पैसा हो मैं दूंगा, इस बार तो अंडा अपना के रहूंगा। गाइस ये फिर से आ गए मेरे अंडों पे हाथ मारने, और ये कौन सा नया मॉन्स्टर है, थ्री हेडेड? अरे बाप रे गाइस, समझ नहीं आ रहा, इनकी कम्युनिटी एक्सपेंड कर रही है, बड़ी हो रही है, इतने खतरनाक खतरनाक लोग पैदा हो रहे हैं। अरे वाह, मजा आ गया, अंडा भी पैसा भी, ओ हा 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 हा, क्या ही बात है। इसको मैं छोड़ूंगा नहीं गाइस, बहुत हो गया, अभी समय आ गया है, ये निकाली लैम्बोर्गिनी रिवेंजर। एक मिनट, ये तो रिवेंजर है भी नहीं, लेकिन मैं इसको फिर भी मारूंगा। अरे कोरा मार जा गाइस, देखा? अरे कहां गया मैं? अरे बाप रे, वैसे कोई नहीं, मेरी कार बिल्कुल बुलेट प्रूफ है, इसलिए मेरा कुछ नहीं होगा। गाइस देखिए मैंने क्या हाल किया 2099 का, अभी काम करते हैं। चॉकर्स की हालत भी तो देखें, क्या ही हालत हुई होगी इसकी, देखिए वो पड़ा है वहां पर बिल्कुल मरा हुआ। हराम मार जा, हालत खराब कर दी, एक अंडा कलिया कौन इतना मारता है? तूने मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत छीनी है मुझसे, और तू मुझसे बोल रहा है कि एक अंडे के लिए कौन इतना कुछ करता है? तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है, समझा? अब जल्दी बता मेरे अंडे कहां पर हैं बाकी के? वो तो भाई यार 3 बेच दिया करा गया है। इसी बात है, तो ठीक है अब समय आ गया दी एंड बोलने का, मुझे उम्मीद है सब तुझे याद रखेंगे। क्या बोल रहा, कौन याद रखेंगे? तेरे दोस्त। अरे भाई मैं मर नहीं रहा, मार दिया। गाइस हमने फाइनली 2099 को डेड पॉइजन से पॉइजनस कर दिया है, उसके बाद ही घंटे बाद वो मर ही जाएगा, या फिर ना भी मरे तो मुझे क्यों, मैं तो अपना अंडा लेकर रहूंगा। चलो दोस्तों जल्दी अपनी कार में बैठते हैं और सबसे पहला अंडा हम ढूंढते हैं अभी के अभी, तो कहां पर मिलेगा हमें यहां पर देखना पड़ेगा, यहीं कहीं होने चाहिए। ये रहा गाइस हमारा अंडा, अब जल्दी से उसको यहां पे मैं फोड़ लेता हूं, फिर तो मजा ही आ जाएगा। देखिए इतना पैसा यार, इतना पैसा, लेकिन इस पैसे का मैं क्या करूंगा जब मेरे सूट ही मेरे पास नहीं रहेंगे, इसलिए सूट ज्यादा जरूरी है। तो ठीक है इसको अभी हम फोड़ते हैं। अरे गाइस यहां पे हमें पहला सूट मिल चुका है, मैं बस उम्मीद करता हूं इस सूट में पावर्स हो और फिर तो मजा ही आ जाएगा। चलो इसको मैंने पहन लिया। चलो गाइस अब हम इसकी पावर टेस्ट करने जा रहे हैं, मैं बस उम्मीद करता हूं कि मैं उड़ पाऊं। 1 2 3, अरे वाह यस। देखा मेरा यकीन था कि ये सच में सूट ठीक हो जाएंगे और ये आयरन मैन के ही सूट निकले, क्योंकि ये सिस्टम बिल्कुल टोनी स्टार्क से मैच कर रहा है, लेकिन अब मुझे इसकी पावर्स और टेस्ट करनी है, वो अभी पता चल जाएगा। काय आया भाई, इधर का चाहिए तुम्हें? तुम तो कुछ नए बंदे लगते हो, फ्रैंकलिन तो हो गए नहीं? हाँ बिल्कुल, मैं फ्रैंकलिन नहीं हूँ, मैं तो देवदूत हूँ जो यहाँ पर अपना अंडा लेने आया हूँ, जो तूने मुझसे चुराया है। हम कोई अंडा ना चुरा, हम तो बस छीने, मतलब खरीद है मुझसे 2099 से। उसकी मैं ऑलरेडी बैंड बजा चुका हूँ, या मैं तेरी भी बैंड बजाने आया हूँ, देखना जाएगा कैसी बैंड होती है। अरे वाह देखो गाइस, ये सूट सच में आयरन मैन का ही है, मुझे पूरा यकीन हो गया, इसके सिस्टम बिल्कुल टोनी स्टार्क से मैच कर रहे हैं, क्या ही बात है। लगता है टोनी स्टार्क ने जरूर कॉपी किया होगा एलियंस को। क्यों भाई, एलियंस ने कॉपी किया होगा? एलियन भी तो कॉपी कर सकते हैं स्टार्क को। तू बहुत सपोर्ट कर रहा है इसको। गाइस मैंने रेड डेविल को बेहोश कर दिया है यहां पर, अब इसका वाला अंडा और ढूंढते हैं। अंडा बता कहां पर है तेरा? ना बताएंगे। अरे यार ये तो बता नहीं रहा, अब खुद ही स्कैन करना पड़ेगा। एक मिनट, जब मैं से लड़ रहा था और शुरू शुरू में इसका अंडा उसके पास ही रखा था, तो गाइस वहीं होना चाहिए, यहां पर मैं आ चुका हूं, यहीं कहीं अंडा। अरे ये रहा, क्या बात है गाइस, यहां पर मुझे दूसरा अंडा मिल चुका है। अब तो मैं एक्साइटेड इस बात के लिए हूं कि इसमें कौन सा सूट मिलेगा, आयरन मैन का या गोल्डन हल्क बस्टर। अरे अभी पता चल जाएगा, जल्दी फोड़ लेते हैं, इंतजार किस चीज का। अरे गाइस एक मिनट, ये तो ब्लूइश टाइप का आयरन मैन वाला सूट है, ये किसी तरह का मुझे गॉड टाइप लेवल का सूट लग रहा है। गाइस वो तो हम इसको पहन के बाद बताएंगे। गाइस मैंने फाइनली सूट को पहन लिया है, मैंने पहले वाले सूट को अंडे में रख दिया है जिससे कि वो हील अप हो पाए। अब गाइस एक काम करते हैं, यहां पर हम इसकी पावर्स एक्टिवेट करने जा रहे हैं। अरे बाप रे, चक्कर ही आ गए। अरे गाइस एक मिनट, ये किस तरह का मॉड है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, खुद ही चल रहा है। गाइस ये सूट सच में बहुत खतरनाक है, इसको जरूर किसी गॉड लेवल के बंदे ने ऑपरेट किया होगा। अब समय आ गया है मुझे इसको ऑपरेट करने का, तो जल्दी जल्दी चलते हैं, अब समय आ गया उस रिवेंजर की बैंड बजाने का, जो कि मुझे मिलेगा सीधा यहां पर। कहां जा रहे हो भाई? अरे कहीं भी जाऊं तुझे क्या मतलब है, और तू कौन है? ये तो बड़ा खतरनाक लग रहा है तू। सही बोल रहा है यार, मैं खुद अचंभित उन चीजों से कि मैं इतने खतरनाक सूट कैसे पा सकता हूँ। मेरे घर के ऊपर यूएफओ गिरा था, तुझे पता है, उस यूएफओ में से 4 सूट निकले थे, जिसमें से 2 मेरे पास हैं, तीसरा तेरे पास है, वो भी जल्दी मेरे पास होगा। कुछ भी, अरे अभी बताता हूँ, कुछ भी तो ये ले तेरे, तो क्या ही पटका उसको। गाइस ये वाला एक नया मोड था, एक और नया मोड चेस्ट करते हैं। ये ले, क्या ही मारा उसको, कहां पर गया? रुक तेरी तो मैं बन जाता हूँ। ये ले, अरे गाइस क्या हाल किया उसका, तू कहां से आ गया पीछे, मैं तो उसको भी मारा था।
असली कौन नकली कौन तुझे क्या पता। अरे गाइस ये क्या, ये रिवेंजर जरूर मेरे साथ कोई ट्रिक प्ले कर रहा है। ये ले तेरी तो बहुत हो गई तेरी ट्रिक, और हट यहाँ से। गाइस फाइनली मैंने खत्म कर दिया रिवेंजर के सारे मोहमाया को। अब एक काम करते हैं, जल्दी से इसका वाला भी अंडा फाइंड करते हैं। जब हम इससे बात कर, अरे वो रहा यार सामने अंडा, यार मैं इसे बोल रहा हूँ कि इसका अंडा फाइंड करते हैं। गाइस अब जल्दी से इसको भी स्कैन कर लेता हूँ। वैसे मेरा मन नहीं कर रहा है सूट को उतारने के लिए, लेकिन फिलहाल मुझे इन्हें वापस अंडे में डालना होगा जिससे कि हील अप हो जाए, और नया सूट भी तो देखना है। गाइस ये तो गोल्डन आयरन मैन का सूट है, कितना ही खतरनाक है। लो दोस्तों अब समय आ गया है इस वाले सूट को भी पहनने का, और ये वाला जो दूसरा सूट है मैं इसको अंडे में रख देता हूँ। 1, 2 और 3। गाइस मैंने ये सूट पहन लिया है, अब बस मैं इसकी पावर एक्टिवेट करने जा रहा हूँ। हमारा जो लास्ट एनिमी है वो है वो 3-हेडेड हल्क। अरे गाइस इसके पास तो इलेक्ट्रिसिटी है। अरे गाइस देखिए कितनी ज्यादा नेचुरल लग रही है। वैसे आयरन मैन का सूट है तो नेचुरल नहीं है, लेकिन फिर भी कितनी कमाल की बिजली यूज कर रहा हूँ मैं। और मेरे पास नए मॉड्स हैं जिसे बायफ्रॉस्ट उड़ना भी क्या बात है, मुझे तो पता ही नहीं था। चलो दोस्तों अब बैंड बजाते हैं उस 3-हेडेड हल्क की, अब तो मजा ही आ जाएगा। गाइस एक मिनट, वो रहा, मुझे उसकी लोकेशन यहाँ पर दिख गई है, बस मैं पहुंचने वाला हूँ। फाइनली पहुंच गया। आकाश की आवाज आ रही है, भाई कौन आ रहा है, मतलब भाई कौन है तुम, अरे कितना खतरनाक लग रहा है भाई, लेकिन हमसे ज्यादा नहीं हो। ये बात तो सही कह रहा है, ज्यादा खतरनाक और इंटिमिडेटिंग तू लग रहा है, लेकिन पावरफुल मैं हूँ। अगर तुझे यकीन नहीं है तो मुझसे बैटल करके देख ले, अगर तू हारा तो तेरा अंडा मेरा, और जिंदगी भर तू कभी भी मेरे टांग में काम नहीं अड़ाएगा। अरे क्या बकवास कर रहे हो, काम में टांग होता है, वो टांग में काम नहीं, क्या बोले जा रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आया। खैर मैं तेरी अभी अभी बैंड बजाऊंगा। गाइस ये देखिए इसके अब क्या हाल कर रहा हूँ। अरे देखिए गाइस मैं इसको फिस्ट मार रहा हूँ, वो भी इलेक्ट्रिक फिस्ट, कितनी कमाल की थे। अरे इसकी इतनी जल्दी बैंड भी बज गई, मुझे तो पता भी नहीं चलता, मैं जो ऐसा लगा इसको सेकंडों में मैंने हरा दिया। हट यहाँ से। गाइस हमने इसको भी खत्म कर दिया है, अब चलो लास्ट वाले अंडे को खोलते हैं। और आप जानते हैं कि लास्ट वाले अंडे में कौन सा सूट निकलेगा, अगर आपको पता है तो जल्दी कॉमेंट में लिखो, नहीं पता तो मैं खुद ही बता देता हूँ। वो है इकलौता दी वन एंड ओनली गोल्डन हल्क बस्टर, वो भी अभी तक का सबसे ज्यादा रॉयल और महंगा सूट है गाइस। तो इसी अंडे में वो सूट होने जा रहा है। एक काम करता हूँ, अपनी सुपर डेड पॉइजन गन निकालता हूँ और इस अंडे को अभी फोड़ते हैं। तो दोस्तों अब हम इस अंडे को फोड़ने वाले हैं, आप सभी तैयार हैं? मैं तो तैयार हूँ। तो यहाँ पर ये इसको फोड़ा मैंने। गाइस देखिए ये रहा गोल्डन हल्क बस्टर, कितना ही कमाल का है, जिसके आर्क रिएक्टर हैं रेड वाले, और साथ साथ में ये एनोनिमस पावर्स के साथ है। मुझे अभी नहीं पता इसमें कौन सी पावर्स हैं, लेकिन जल्दी हम पता कर लेंगे। फिलहाल एक काम करता हूँ गाइस, मैं अपने सारे सूट्स को अंडों में से निकालता हूँ और आप सभी को दिखाता हूँ। तो देखिए पीछे मेरे 4 सूट का कलेक्शन है, पूरी स्क्वाड हो गई। अब अगर अवेंजर भी मुझसे लड़ने आ गए तो गाइस इन सूट से बैंड बजा दूंगा मैं उनकी। अगर आपको इस तरह की वीडियो और चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखिए, और स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लो। थैंक यू सो मच।